मोबाइल पुलिस को 21 की रात को हर हर महादेव चौक के निकट एक पानी प्लांट में कुछ युवकों को एक साथ देखकर लोगों ने गुप्त सूचना दी। मौके पर अपराधियों की मंशा पर फिरा पानी पुलिस पहुंचकर छापेमारी के दौरान योजना बनाती 8 बदमाशों को पानी प्लांट में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1 पिस्टल, 9 कारतूस और 3 बाइक जब्त किया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूचना टाइगर मोबाइल के जवान को मिली थी। हर हर महादेव चौक स्थित एक पानी प्लांट में कुछ बदमाश प्रवृत्ति के युवकों ने अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की तो पानी प्लांट के संचालक कुंदन कुमार समेत 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों में बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर के लोग शामिल हैं। हालांकि गिरफ्तार लोगों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गलत तरीके से पानी प्लांट पर पहुंचे और आसपास खड़े देख रहे लोगों को गिरफ्तार कर लाया। उसके बाद सभी 8 युवकों को हिरासत में पूछताछ के दौरान नगर थाना पुलिस ने 3rd डिग्री की तरह बेरहमी से गिरफ्तार लोगों की पिटाई की। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस के द्वारा पांव के नाखून उखाड़ दिए गए हैं तथा बेरहमी से पीट पीट कर शरीर में खून के धब्बे भी दिखाई दे रही है। परिजनों का आरोप है कि ये बेगूसराय पुलिस का अमानवीय चेहरा देखकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने बताया कि गिरफ्तार युवक कोई मोस्ट वांटेड अपराधी का इतिहास नहीं है, तो फिर वरीय पुलिस अधिकारी से पूरे मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने तथा निर्दोष को छोड़ने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी युवकों का कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया कर रही है। मुख्यालय DSP ने बताया कि अपराध की योजना बनाते बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वीडियो न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गण के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट। जिस समय पुलिस गिरफ्तारी कर रही थी काफी भीड़ जमा हुआ था और कुंदन कुमार का अपना एक पानी प्लांट है जो मेरा रिश्ते में भतीजा लगता है और पानी प्लांट काफी दिनों से चला रहा था और इसका किसी भी प्रवृत्ति मैंने अपराधी तरह का किसी भी प्रवृत्ति का ना थाना में ना किसी प्रकार का आज तक कोई तरह का लेखा जोखा है। लेकिन प्रशासन का जबरदस्ती कहना और बाकी का जो लड़का लोग है बाहर में, क्योंकि मार्केट है और बाहर में कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए लोग आते हैं, पानी लेने के लिए आते हैं। कोई चिकन वाला था, वो चिकन करके कलेक्शन करके होटल की तरफ से आ रहा था, उन लोगों को जबरदस्ती उठा के पुलिस और व्यापते उसके पानी प्लांट में ले गई और पानी प्लांट में 2-3 लड़का पहले से बैठ के पानी कस्टमर को दे रहा था। इसी बीच में काफ़ी संख्या में पुलिस आए। पुलिस का कहना ये था कि वो अपराधी किस्म का ये लोग है, ये लोगों के पास सामान बरामद हुआ, पिस्टल बरामद हुआ, ये सब बरामद हुआ। चूँकि ये प्रशासनिक तौर पर की गई है बात है और उन्होंने कहा कि मैं कल इसका खंडन करूँगा। और बाकी बात यह है कि जो भी लोग हैं यहाँ सारे स्टूडेंट है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी से बिलोंग करता है जो लोग हैं, और इसकी इन्विटेशन हम चाहते हैं कि DSP साहब इसकी सुपरविजन करें। अगर दोषी हैं, इनके साथ अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर ये अपराधी किस्म का है, इसका स्टेटमेंट अगर गलत है, इसको दोषी करार दिया जाए। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों को बच्चों को जब आप उठा के आप ले गए और इतनी तरह से इन लोगों को बॉडी टॉर्चर किया, बुरी तरह से पीटा। इन लोग बच्चों का कहना है कि नशे में हालत में रख के ये लोगों को बहुत ज़्यादा पीटा गया। ये लोग मैंने आप ट्रीटमेंट और मेडिकल लेने का तत्पर में कि हमको हॉस्पिटलाइज किया जाए। अभी नगर थाना के हर्रक के पानी प्लांट के पास कुछ युवक थे जो कुछ योजना बना रहे थे घटना अंजाम देने के लिए। इसी संबंध में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कुछ लोग बेगूसराय के हैं, खगड़िया के हैं और मुंगेर का भी एक व्यक्ति है। इसके पास से 3 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 9 राउंड कार्टिज और 8 मोबाइल बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस तरह का मामला है तो फिर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।